चार लाइन भूमिका में कवि का कहना है। कोई कहता है इंसान बलवान होता है, कोई वक्त को श्रेष्ठ जग में बतलाए, वक्त के जाल में फंस कर रोता जमाना। आज तक ना कोई वक्त से पार पाए, हुई चिंता दसानन को गहरी सुनो। सुनी लंका हुई जब बुझी कुल की बाती, मर्द होता बहादुर वही जंग में जो हिला दे हिमालय के खंजर से छाती। ए भैया, रामायण से एक नई खोज है, आप लोग के बीच में जा था, आप लोग के बहुत पसंद आई, कव्वाली है। कैसे मास्टर? हर मारता है आदमी, हर मारता है आदमी, ओ मर रहा है आदमी, कभी जी भाव देना बिरहा में क्या कहना। अरे है वही औलाद सच्चा, अरे है वही औलाद सच्चा, वक्त पर आए जो काम, वाह।
मर्यादा रख दे वह सही है। अगर औलाद औलाद लायक ना है तो औलाद न रहलो बढ़िया बा। कहानी का शुरुआत है कैसे मास्टर? बात के समझ ली है? बात वो समय के मिलल जौने समय भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता माता वन में लोग टहरत रहल और सुपरखा का नाक जब कट गए रावण देखले से ऐसा कुकर्मी ऐसा काम कौन किया और सीता माता के चुरा ली आई। वो समय जब लड़ाई छिड़ल लड़ाई के मैदान में पूरी लंका नगरी विध्वंस हो गई। एक लोग लड़ाई खातिर बचल ना हुए लेकिन एक लाइन गीत है हमारे मास्टर साहब संकेत देते हुए कि कौनो मेहरारू बतावत है का कहे सैया जात बाड़ा पुलिस के बहालिया में कुछहूँ लिहले अइहा कुछहूँ लिहले अइहा लाल की रुमालिया में कुछहूँ लिहले अइहा भाव हो बात के गौर करिहन। रावण उ शक्ति हो जो अगर आवाज से गरज दे धरती कांप जाती थी लेकिन आज ऐसा समय आयल पूरी लंका नगरी विध्वंस हो गई। एक लोग युद्ध के मैदान में ना दिखात हुआ कवि जी के लिखे के पड़ल का लिखे के पड़ल रामा लखन मिटाव दुश्मनावा के सेना लेके आइले सेना लेके आइले लंका में रवाना हवा के सेना लेके आइले सेना सजा के भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी लंका के तरफ चढ़ाई कैले हुए लेकिन भैल का राम के समनवा ही ले रावण के टंगरिया मारल गईल रनावा में सारी लसकरिया कोई लड़वैया नहीं बचल
सेना लेके अइले, सेना लेके अइले लंका में रवाना हमा के। लड़ाई के मैदान से रावण पिछड़ गई, हट गई। भगवान पुरुषोत्तम राम अपन सेना सजा के लड़ाई के मैदान में बुलावत हुआ रावण के। रावण सुना है तेरी कीर्ति अमर है, बहुत लोग को तो परास्त किया है, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, आ जाओ। लेकिन कोई के ना रहने के कारण रावण आज पीछे की तरफ घूम गई और जाके अपने सिंहासन पर बैठ के रोवत है। सोचत बा कि साला एक दिन हमारा ऐसा पावर रहल या ऐसा हमारा शक्ति रहल कि हमारे यहाँ देवता लोग पानी भरत रहल, लेकिन आज ऐसा परिस्थिति आई कि हमार कोई साथ देवे वाला ना हो, यह सोच के रोवत है। तब तक का भइल भविष्य का पुत्र, भविष्य का पुत्र तरुणी सेन बलकारिया, राम भक्त लेव अइल है रावण के खबरिया, राम का सेना आयल देखा कि अच्छा देखा जा लंका नगरी के अंदर में कोई बा कि ना, पूरा भ्रमण कैला लेकिन एक भी लंका नगरी में आदमी दिखाई ना देना जो कि ऐलान के कबूल करे कि हाँ आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। रावण अपने सिंहासन में बैठ के यह सोचत बा और रोवत बा। तब तक भैल के एक लाइन गीत है मास्टर, कोनो मेहरारू बतावा था देवरे का हाल का कालस। अरे के करा से कहीं सैया, अरे के करा से कहीं सैया, दिलवा के हाल तत कहा लयइहा, तत कहा लयइहा, देवरा कटले बगाल तत कहा लयइहा, लेकिन भाव हो का हो करी के प्रणाम पूछे, करी के प्रणाम पूछे, भविष्य के लाल मोरे बड़का बाबूजी, मोरे बड़का बाबूजी, कहा का बहाल चाल मोरे बड़का बाबूजी, कहा का बहाल चाल भीषण का पुत्र तरुणी सेन। उम्र तो बहुत ज्यादा ना हो लेकिन पहुंचल देखले से अरे पूरा लंका नगरी सुनसान हो। अच्छा महल के अंदर जब प्रवेश के लिए तो रावण का हालत देखले से पहुंच निकले से बाबूजी प्रणाम, का भइल कैसा चिंतित हुआ। रावण बोलत ना हो, ओ समय तरुणी सेन का कहलस, जे
चिंता का कारण अपने हमें बतलावा, काहे मुरझायल बाड़ा दुखावा सुनावा, तरुणी सेन कलेश बड़का बाबू बतावा का दिक्कत है, काहे चिंतित हुआ तू? तब रावण इतनी बात जब सुन लेस कि ओ अभी हमारे वंशज में कोई बा, कलेश की परेशान मत हुआ तो ये बैठा सिंहासन पे। रावण का बात सुन के तरुणी सेन कलेश चिंतित मत हुआ, हम चला थी लड़ाई के मैदान में, हम राम के मार के गिरा के काट के आए। इतनी बात जब रावण सुन लेस सोचलेस वाह अभी तो हमारे खानदान में वीरन का शुरुआत भइल है, उठल हो रावण। तब का भइल विदेशिया हो आंख में फिर भी आंसू हो, सोचत हो का कहत हो ही के उदास रावण, अरे रोवा हाय हाय रावण, अरे बुझी गई लाए कुल का दिया नवा ये बचवा। कला जानल चाहत हुआ आज पूरा कुल का दिया बुत गई, कलेश बाबू जी कैसे ही भइल, आंख में आंसू बतावत हुआ तक कोई लड़वैया नहीं, अरे बचल हमारे कुलावा में, मेघनाथ कुंभकरण मारल गई ले बचवा। कल मेघनाथ कुंभकरण मारल गई ले कहाँ कहे बच्ची, आज वीर कुंभकरण और मेघनाथ भी मारल गई ले, आंख में आंसू हो का भइल, छाती से लगाई रावण, अरे रोवा हाय हाय रावण, अरे बुझी गई ले कुल दिया नवा ये बचावा। कहे बच्ची आज सब लोग मारल गए, आज पूरा लंका नगरी सुनसान है, छोटा उम्र का लड़का अपने के बर्दाश्त न करे, बाबूजी घबरा मत, अभी हम है राम से मुकाबला लेवे खातिर। तो भइल का सुन बात दसानन का, अरे सुन बात दसानन का, तब तरुणी से ने अंगार हुआ, अरे सुन बात दसानन का, तब तरुणी से ने अंगार हुआ, रामचंद्र से बदला लेने के लिए रणभूमि तैयार हुआ। कहा ना कोई तैयार हो ना कोई लड़ाई के मैदान में जाई, बाबूजी हम जब का कह जो नाक कान काटा बुआ का, अरे जो नाक कान काटा बुआ का उसको काट गिराऊंगा, अरे समर भूमि के अंदर अपनी विजय पताका लहराऊंगा। चलल जब इतनी बात कहे के ललकार के तपने मातारी से भेंट करे चलल, भइल का गीत है कुकुहू कुमुर्गा बोले, अरे कुकुहू कुमुर्गा बोले छोड़ दी कलाई, छोड़ दी कलाई, अब कलस्त्रिया चलत हो। कलेश बाबूजी चली कल कहाँ के बस माई से दू मिनट बतियावल चाहत है, फिर लड़ाई के मैदान में पांव धरत है रावण के कैसे। तरुड़ी के बात सुन के,
तरुड़ी के बात सुन के रावण हर साई, रावण हर साई छतिया से अपने लिहले लाल के लगाई, लाल के लगाई चलल कैसे। लंकापति से बिताल के बलि बनावा, लंकापति से बिताल के बलि बनावा, लंकापति से बिताल के बलि बनावा, भविष्य के लाल आई गईले भवनावा, भविष्य के लाल आई गईले भवनावा, भविष्य के लाल आई गईले भवनावा। माई के पाँव छू के, माई के पाँव छू के कह दुखदाई, कह दुखदाई छतिया से अपने लिहले लाल के लगाई, लाल के लगाई, रावण कितनी बात सुनलस कलश की, बाबू जा परेशान मथवा, लड़ाई के मैदान में हम चलब, आशीर्वाद हमके द। पैर पकड़ के निकलल हुवन अपने माई के पास अइले, माई के पैर पकड़ले तरुड़ी से, माई कहली बच्ची बैठा, बात विचार होखे लागल लेकिन भइल का तेरी बा। अरे विपत्तिया भारी लंका में पड़ल, अरे विपत्तिया भारी लंका में पड़ल, रण में करे जाइबे हम रावण के मददिया, मददिया रे मददिया। विपत्तिया भारी लंका में पड़ल, रण में करे जाइबे हम रावण के मददिया। मातारी से बात विचार कर तो कलश माई आज विपत का घड़ी आई ले बाबू जी के ऊपर, तो चल के हम लड़ाई लड़ब। इतनी बात कहले मातारी समझाओ थी ना बच्ची का करल चाहत हुआ तू, लेकिन भाईल का एक लाइन गीत बा। अरे सुना सुना भाई ता गीत बा, लेकिन भाव के गौर करी हम भाईल का। अरे सुना सुना लाल मोरा, अरे तारुड़ी जूझरावा हो ना, अरे बचावा अपना कटावा जन तू गरावा हो ना, समझावा थी मतारी के बेटा बात मान जा, ऐसा काम मत करा, सारी लंका नगरी विध्वंस हो गई तू का करवा के लिए समझावत है, लेकिन का भइल। अरे तोहरे पिताजी के यह दशासन बद करावा हो ना, अरे बचावा घर से भगवल मरथा पड़ावा हो ना, कह जानल चाहत हुआ यह रावण दशासन अपने आगे अपने अहंकार में किसी को जोड़ा नहीं, तुहरे पिता की लात मार के घर से बाहर के दलस, आज ओकरे चलते लड़ाई लड़ जात हुआ तू, मान जा बेटा समझावा थी मत, लेकिन भइल का। अरे नास होता बाटे नास,
अरे बचावा अरे अपना कटावा जन तू गरावा हो ना। कह ना सोथो ना सोएदा बेटा लेकिन ऐसा काम मत करा, लेकिन माना नहीं भाईल का गीत बा। अरे माई हो ललनवा देदा मैदान में तरुणी सेन तैयारी बना के चलल हो। कैसे अरे राम के समनवा तरुणी तैयारी बना के तरुणी सेन चल दी हलस भाईल का। लड़ाई के मैदान में तरुणी सेन पहुंच के घोड़ा रथ झंडा जो भी रहल सब राम के नाम से रहल। बानरी सेना एक तरफ तैयार है, भगवान परसोत्तम राम बैठल हुआ, सैनिक सजा के जहां जितनी भी चीज रहल सब राम राम के नाम से लिखवा दिया। सब लोग बैठल बाड़न, बानरी सेना बैठल बा, भगवान परसोत्तम राम सोच रहे अरे यार लंका नगरी से हमार भक्त के आवत है। भगवान अचरज में हुआ, परेशान हुआ, लेकिन पापट में लिखा पड़ल कवि जी के का हरे राम भक्त देख राम गए घबराई लंका नगरी में। हरे राम भक्त देख राम गए घबराई लंका नगरी में, पूछे भविष्य के बजरे तब जाई लंका नगरी में।
भगवान परसोत्तम राम अचरज में हमें कह रहे यार लंका नगरी से हमार भक्त की आवत है। हविष्ण जी से पूछ ले, अरे यार यहाँ वा आखिर बाके हविष्ण का बतावत हुआ। भेद छिपाए भविष्ण जी, अरे कुल का मोर तारा नवा हो, प्रभु के हाथे हो जाए है जब बेटा वा के बाधा नवा हो। अरे कहा प्रभु करा लड़ाई लंका नगरी में, अरे राक्षस हुआ माया रूप बनाई लंका नगरी में। भगवान पूछला आखिर के बा, हविष्ण जी हाथ जोड़ना कहा प्रभु राक्षस समस्या माया रूप बनैले हुए, आई चाल बा हमने के संग कौनो गुमराह हमें डाल के मैदान में लड़ाई खातिर। भगवान कल अच्छा तैयारी लोग बनावत हुआ, लेकिन भइल का लड़ाई के मैदान में भविष्ण का नहीं राक्षस रूप बना के सब हुए लड़ाई आप करें। लक्ष्मण के संदेश भजोले कि आजा भाई लड़ाई लड़े खातिर राक्षस लोग आयल हुआ। लक्ष्मण कलेश ना भैया हम ना आ पाई, ये जो आपके भक्त है भगवान बराबर हो, हमसे लड़ाई ना हो पाई। भगवान रामचंद्र जी स्वयं लड़ाई के मैदान में जब उतरल बाढ़ पर बाढ़ वर्षा कहने, लेकिन तरुणी सेन के मार ना पौले, हरा ना पौले, मार ना पौले, अचरज में पड़ गए, परास्त हो गए कि कैसे के मारी हम। भविष्ण से कहना भाई पूरी लंका नगरी के विध्वंस करे में तुहार हाथ रहा, सारी सिस्टम बतौला, ई नाम मरी का।
कहना रे प्रभु एक ही उपाय बा, का उपाय है करे पूरे शरीर में राम राम लिखल हो, जहां तुहार बाढ़ लगी एक कुछ ना हो। कहा तब कह करे पैर के नीचे तारू जो है, तारू में राम नाम का शब्द ना बा, अगर हो सके कोनो उपाय लगावा तो यही कारण ही मर सकला। इतनी बात जब भविष्य के भगवान राम सुनला कहना ठीक बा, और माया के मंदोदरी बना के आसमान में दिखावत हुन और बाढ़ तानत हुए मारे खातिर, ते उड़ के गल है मंदोदरी के बचावे खातिर। जब मंदोदरी के बचावे खातिर तरुणी सेन गयल, तब भगवान के मौका मिलल और बैठ के नीचे के बल पर घीच के बाढ़ जब मरले हुए तो करे तारू में जाके लगल। जब तारू में लगल गिर गयल जमीन पे, आंख में आंसू है, रोवत है अपने भविष्य बाप के दिल ताकत है, कथबारे बाबू जी अंत में पूरा लंका नगरी के विध्वंस कही के मनला भैल का। तरुणी सेन मारल गईल, बानरी सेना नाचा था, भगवान परसोत्तम राम के जयकार होता, आंख में आंसू भर के भविष्य गोद में लेके बेटवा के रोवत भैल का। भविष्य जी करे जवाब पे, कहे धई के हाथ हो, आ बेटा हूँ मोर दुखित भैल रघुनाथ हो। गोद में लेके बेटवा के लाश के भविष्य रोवत हुआ, भगवान के जब निगाह पड़ल जाके कंधा पर हाथ धीले कलन काहे रोवत हुआ, का कारण हो? कहा प्रभु आज अपने खानदान के एक चिराग और बुझा दिली, आंख में आंसू, भगवान मायूस हो गई ना, बिरहा के समाप्ति भइल घराने के परचे के समाप्ति। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बाका स्वर्ग बसे चंद्रिका।